अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बनाएंगे मुहर्रम स्पेशल तले हुए रोट। इसे बनाना बहुत ही आसान है। देखिए, ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट बने हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप शुगर पाउडर, 1 कप रवा लिया है मैंने, 2 कप मैदा, 2 कप बेकिंग सोडा लिया है, फूड कलर लिया है, इलायची पाउडर, घी लिया है मैंने 4 स्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसे चेक कर लेंगे एक बार हमारा घी कितना अच्छा है। इसमें देखिए, घी अच्छे से डल चुका है इसमें। थोड़ा थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, इसे एक स्मूथ सा डो बना लेंगे हम। इसका डो बनाने के लिए मुझे 1 कप मिल्क लगा है। थोड़ा थोड़ा सा मिल्क ऐड करते जाएंगे, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। देखिए, इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है हमें। इसे ढककर हम 1 आवर के लिए रेस्ट पे रख देंगे। वन आवर हो चुके हैं। देखिए, डो हमारा कितना सॉफ्ट हो चुका है। इसे 1 से 2 3 मरतबा मसल लेंगे हम। इसे अच्छा सॉफ्ट सा बन चुका है। अब इसे हम बेल लेंगे, फैला लेंगे इसे। तो ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें इसे। अब एक ढक्कन की मदद से हम इसे राउंड पीसेस कट कर लेंगे इसके। अगर आप छोटे बनाना है तो छोटे बना सकते हैं, बड़े बनाना है तो बड़े बना सकते हैं। मैं तो इतने से ये शेप के बना रही हूँ। देखिए, इतना मोटा रहना चाहिए ये। फ्राई होकर और थोड़े से मोटे हो जाएंगे। ऑयल गरम हो चुका है हमारा। मीडियम फ्लेम पर रखकर फ्राई करना है हमें। 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से ही छोड़ देना है इसे। हल्के हाथों से पलट लेना। देखिए, इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आए तक हमें इसे फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर रखकर ही फ्राई करेंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। दोनों साइड से भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं ये। बहुत अच्छे से बन चुके हैं। सारे इसी तरह से फ्राई कर लेंगे हम। आसान है बहुत ही बनाना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।